ये कोई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गरीबों की दुआ लगेगी। हाँ भाई लोग, कैसे हैं सबके साथ? नमस्कार, औरा पार्टी यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत सारा स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है गोपाल। गाइस, आज का ये वीडियो में स्केचवेयर में जो हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं, एप्लीकेशन को, उसका आइकॉन हम चुटकी मार के कैसे बना सकते हैं। दो तरह का है। सबसे पहला है एडवांस तरह का, मतलब पूरा हाई एडवांस HD क्वालिटी का आइकॉन आप कैसे बना सकते हैं, और दूसरा जो है वो है चुटकी मार के आप एप्लीकेशन की मदद से किस तरह से फ्री आइकॉन, आप हर तरह का आइकॉन आप बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक काम करना है, इसी वीडियो को पूरा लास्ट तक, अंत तक देखना है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट मारते हैं। गाइस, ये जो एक है और ये दोनों जो आपको एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, ओके, ये दोनों एप्लीकेशन की मदद से आप हर तरह का आइकॉन क्रिएट कर सकते हैं। और उससे पहले आप मेरा चैनल में जाइए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप वीडियोस में जाइए। वीडियो में आपको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये देखिए, ये वाला वीडियो, एडिटिंग ऐप आइकॉन स्केचर प्रोजेक्ट, तो देख लीजिए। ओके गाइस, देख लीजिए ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आप एडवांस तरह का, मतलब जो आपका दिल करे उस तरह का आइकॉन आप बना सकते हैं, हाई एडवांस। ओके गाइस, तो ये वाला वीडियो आपको देखना है। और ये जो एप्लीकेशन है, ये दोनों एप्लीकेशन की मदद से आप हर तरह का प्रोजेक्ट का आइकॉन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो आप यहाँ से न्यू आइकॉन क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इसका, जैसा कि मैं इसको लेता हूँ या फिर व्हाट्सएप को ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। आपको इसके अंदर टूल मिल जाएगा इस तरह से। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीन, ये देखिए चेंज हो गया है। और इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, देखा आपने? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके अंदर आपको हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए गोल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप अपना एप्लीकेशन के लिए आइकॉन बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला आइकॉन, ये देखिए एडिट, ठीक है। इसके अंदर आप आइकॉन को एडिट कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। देखिए सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप बनाने वाला ये वाला एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर भी मैं भी आप अच्छे से देखिए कुछ इस तरह का आप आइकॉन बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। ये देखिए यहाँ चॉइस आइकॉन बोल रहा है मटेरियल, तो यहाँ देखिए आपके यहाँ पर बहुत सारे आइकॉन मिल जाएगा। ओके गाइस, ये देखिए बहुत सारे हैं। तो आपको जिस तरह का, जिस टॉपिक में आपको आइकॉन बनाना है, ये कैमरा जैसा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये देखिए, देखा आपने? तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इसका अंदर आपको हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा आइकॉन को बनाने की। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। गाइस, प्ले स्टोर में मैंने एप्लीकेशन ढूंढा तो आइकॉन बनाने की, तो ये दोनों एप्लीकेशन मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं इसका रिलेटिव आपको बता दिया। आपको इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो वाला आपको आइकॉन बनाने वाला एप्लीकेशन पसंद है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अपना आइकॉन बना सकते हैं। ओके, अगर आपको एडवांस तरह का आइकॉन बनाना है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ये वाला वीडियो। यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगा एप्लीकेशन का आइकॉन बनाने की, बहुत ही आसान है। नहीं नीचे करना, हाँ बोलो, वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो। हाँ, हो गया। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसी वीडियो का नीचे आपको दो तरह का बटन मिलता है, पता है ना, एक लाइक का बटन और एक डिसलाइक का बटन। तो जो भी बटन आपको पसंद है धड़ाधड़ दबा दीजिए। जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा फ्री है आपके लिए। जो भी मन का गुस्सा है वहाँ पे निकाल दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबरदस्त। हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, सब खुशी में रहिएगा।